नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। आपको याद होगा अररिया में किस तरीके से कृषि पदाधिकारी ने एक होमगार्ड के जवान को उठक बैठक कराया था, जिसके बाद से पूरे मीडिया में जो है ये खबर फैल गई थी। और उसके बाद से डीजीपी ने खुद उस होमगार्ड के जवान से बात किया था और उसके काम की सराहना किया था। ठीक उसके बाद से अब उसे प्रमोशन मिल गया है। बिहार सरकार ने उस पदाधिकारी को प्रमोशन दे दिया है, ऐसा आरोप विपक्ष के नेताओं का है। तेज प्रताप यादव ने इस बीच ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, अनैतिक बाबू ने अनैतिकता को सम्मान दिया है, प्रमोशन के साथ स्थानांतरण का इनाम दिया है, निर्लज्जता की प्रकाष्ठा को तार तार कर दिया नीतीश सरकार ने। कुशासनी बिहार सरकार ने होमगार्ड जवान को उठक बैठक कराने वाले कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार पर कार्रवाई करने के बजाय उसे प्रमोशन दिया है। तो तेज प्रताप यादव जो है उस पर प्रमोशन देने का बिहार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो ठीक इस आरोप पर सरकार की तरफ से जवाब भी आ गया है। नीरज कुमार मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने तेज प्रताप यादव को जवाब दिया है और कहा है कि अनपढ़ हैं आप, पहले पढ़ लिया कीजिए, चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई करते हैं इसलिए कुछ समझ में नहीं आता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। चरवाहा विद्यालय में ज्ञान प्राप्त किए हैं, ज्ञान की कमी है, उनको पता है कि समान वेतन मान पर जो बेसिक ग्रेड है उस पर कोई व्यक्ति अगर जाता है तो वह प्रमोशन हो गया। अरे प्रमोशन तो होगा जब हायर पे स्केल पर कोई व्यक्ति जाएगा, हायर पद पर जाएगा। कृषि विभाग के तहत ही इन्होंने जो कृत्य किया उसके आधार पर इन पर FIR दर्ज हुआ। जिला अधिकारी अररिया और SP ने इनसे स्पष्टीकरण लिया। स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद विभागीय कार्रवाई संचालित की गई है। विभागीय कार्रवाई में लघु दंड और बृहद दंड होता है, सीमा अवधि होती है, समय सीमा अवधि होती है, नौकरी की बर्खास्तगी तक होती है, इसकी पूरी प्रक्रिया है, ये नेचुरल जस्टिस भी है। इसलिए और उनको जो जिस पद पर इनसिग्निफिकेंट पोस्ट है वह उनको डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग अंडर एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर बनाया गया है, प्रमोशन नहीं है। कम से कम बिहार लोक सेवक नियंत्रण नियमावली जो वर्गीकरण नियमावली है 2005 का को पढ़ कर करके राजनीतिक बयान दें। केवल राजनीतिक बयान देना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जरा ज्ञान वान ले करके। तो नीरज कुमार ने साफ बताया कि जो पदाधिकारी है उसे प्रमोशन नहीं दिया गया है। प्रमोशन का अर्थ होता है कि अगर उसकी सैलरी को इंक्रीज किया जाता, हाई स्केल किया जाता, तब प्रमोशन होता। उसे समान सैलरी पर ही पोस्ट चेंज किया गया है और इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसे प्रमोशन दिया गया है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है इस बात का और उन्हें इस नियमावली को पढ़ना चाहिए। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सकें।